suppose single pollen mother cell, then how many pollen grains may produce? Answer is 4. If it is many, then many pollen grains get produced. So one anther lobe having two pollen sacs or microsporangium. One pollen sac contains one or many pollen mother cells. One pollen mother cell, PMC. PMC means pollen mother cell. After one meiosis or reduction division, produce 4 pollen grains or male gametophyte, 4 pollen grains or macrospores. All macrospores or pollen grains are haploid. If many PMC is there, many pollen mother cell or macrospore mother cell is there, then each PMC after meiosis produce many pollen grains. Agar ye many hoga, to many banenge. Ek hoga, तो 4 बनेगा। अब जरा ऐसे देखिए आप, ये एक पॉलन मदर सेल है, सिंगल पॉलन मदर सेल, सिंगल पॉलन मदर सेल, दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सो दिस पॉलन मदर सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड विथ कैलोज लेयर and after meiosis single PMC produce 4 pollen grains. So 4 pollen grains are like this, or like this, अब देखिए, अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो आप इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल, ऐसा है तो इसको कहेंगे आइसोबायलेट्रल, और जो बाहर का लेयर है कैलोस वो तो होगा ही, ये कैलोस लेयर बन गया यहां। अब ध्यान दीजिए, ये चारों पॉलन ग्रेन ये कहां होगा, मोनोकॉट, आगे हम आपको दिखलाएंगे अभी, और ये किसके लिए हो गया, डायकॉट, टेट्राहेड्रल डायकॉट के लिए, और मोनोकॉट क्या हो गया, आइसोबायलेटरल के लिए। सक्सेसिव डिवीजन, जैसे मियोसिस में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 2 बार डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और सब सोचिए कि अगर मियोसिस फर्स्ट में सेल 2 हुआ और दोनों में सेल वॉल बना, और फिर मियोसिस सेकेंड हुआ फिर उसके सेल वॉल बने, तब इसको कहेंगे सक्सेसिव टाइप।
और सक्सेसिव टाइप जब डिवीजन होगा यानी कि सेल वॉल बनेंगे दो बार तब ये आइसोबायलेटरल हो जाएगा। तो मोनोकॉट में क्या होगा, सक्सेसिव डिवीजन से ये बनके तैयार होगा, सक्सेसिव डिवीजन। लेकिन डायकॉट के केस में जब ये टेट्राहेड्रल आप देख रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, साइमल्टेनियस। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा लेकिन सेल वॉल नहीं बनेगा, मियोसिस सेकेंड होने के बाद सेल वॉल बनेगा, इसलिए हम इसको यहां पर कहेंगे साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस डिवीजन, बात समझिए। मियोसिस में सेल कितने बार डिवाइड होता है, दो बार। अगर दोनों ही डिवीजन में सेल वॉल बना तो वो कहलाएगा सक्सेसिव और आइसोबायलेटरल स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर मियोसिस फर्स्ट में सेल वॉल नहीं बना, फिर उसके बाद जब मियोसिस सेकेंड हुआ अब सेल वॉल बना, वैसे कंडीशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंगे और वो कहाँ होगा, डायकॉट में। और ये जो कैलोज लेयर है वो अभी भी है, अब देख रहे हैं सामने अभी भी कैलोज लेयर आपको नजर आ रहा है, वो हटा नहीं है। और वो जब तक हटेगा नहीं तब तक पॉलन ग्रेन से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और अलग होने के लिए कैलोज को डिजॉल्व होना आवश्यक है, और डिजॉल्व होने के लिए कैलेज नाम का एंजाइम टेपेटम छोड़ेगा। टेपेटम हम आपको बता चुके हैं पॉलन सैक के सबसे अंदर का लेयर, याद है, पहला एपिडर्मी, सेकंड एंडोथेसियम, थर्ड मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टेपेटम। तो टेपेटम से एंजाइम निकलेंगे कैलेज, और वो आकर के जब इस कैलोज को क्या करेगा, तोड़ देगा। जैसे सपोज यहाँ पर हम आपको दिखला रहे हैं कि इस पर कैलेज नाम का एंजाइम आया, कैलेज एंजाइम आया। कोई पूछेगा ये कैलेज एंजाइम कहाँ से आया, तो आप कहेंगे टेपेटम से आया। टेपेटम कहाँ का लेयर है, तो कहेंगे ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस एंजाइम के बाद ये सारे पॉलन ग्रेन से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो फोर पॉलन ग्रेन से एक दूसरे से अलग होंगे, सेपरेट होंगे। अब इसको कहेंगे आप सिंपल पॉलन ग्रेन, अब ये सिंपल पॉलन ग्रेन कहलाएगा। लेकिन अगर ये अलग नहीं हुआ, कैलोज रह गया, तब आप उसको कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहेंगे, जो कैलोस्टोमम में आपको मौजूद मिलेगा। वहां पर आप अगर स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन। तो अरेंजमेंट ऑफ, अगर हम पॉलन ग्रेन देख लें जरा, अरेंजमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आप देखिए, ये लीनियर हो सकता है। अगर हमने फोर पॉलन ग्रेन्स को ऐसे दिखला दिया तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, लीनियर। दो अरेंजमेंट हम आपको ऑलरेडी दिखला चुके हैं, ये हो गया आइसोबायलेटरल, ये हो गया आइसोबायलेटरल, ये हो गया टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल हो गया, ऐसे हो जाए तो आप उसको कहेंगे डिकसेट। या टी शेप्ड हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया टी शेप्ड, ऐसा आपको नजर आ सकता है। ये फाइव अरेंजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको दिखलाए हैं, इंपॉर्टेंट है आइसोबायलेटरल एंड टेट्राहेड्रल जो वहाँ लिखा हुआ है, मोनोकॉट एंड डायकॉट, जो नीट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है। अब जरा आप ऐसे देखें,
जो पॉलन ग्रेन्स हमने अभी आपको दिखलाया है, फाइव अरेंजमेंट, फाइव टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसके बाद एपिडर्मिस या इंडोथेसियम या मिडिल लेयर, देखिए ये प्रोटेक्शन देगा। और मुख्य रूप से ये दो लेयर, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, इसको फटने में पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम को डेहिसेंस में मदद करेगा, फटने में मदद करेगा। सो टेक पार्ट इन डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट लेयर है टेपेटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। टेपेटम क्या होता है, अब ध्यान दीजिए टेपेटम पर। ये टेपेटम क्या होगा, इच सेल ऑफ टेपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इच सेल ऑफ टेपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इच न्यूक्लियस इन एनाफेज, आई मीन रिस्ट्रिक्टेड, रुका हुआ रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड एनाफेज कॉल्ड रिस्टिट्यूशन न्यूक्लियस, रिस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिवीजन में हिस्सा ना ले, रुका हुआ रहे, तो आप उसको कहेंगे रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। अब प्रत्येक न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होंगे वो पॉलीटीन क्रोमोसोम होंगे, एंडोमाइटोसिस होने के कारण इसमें होंगे एंडोमाइटोसिस और इंडो डुप्लीकेशन कह सकते हैं आप। सेल डिवीजन में आपको ऐसे हम पढ़ा चुके हैं, एंडोमाइटोसिस और इंडो डुप्लीकेशन प्रोड्यूस पॉलीटीन क्रोमोसोम। वीवीआई क्वेश्चन, पॉलीटीन क्रोमोसोम तो एक टेपेटम में कैसा मिलेगा क्रोमोसोम, बहुत सारा धागा वाला, थ्रेड वाला, मल्टी थ्रेडेड क्रोमोसोम। पॉली मीन्स मेनी, टीनी मीन्स थ्रेड, सो क्रोमोसोम विथ मेनी थ्रेड कॉल्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम। एनिमल के भी केस में आप पढ़े होंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम, चारोमोनाज इंसेक्ट लार्वा या फिर डिप्टेरा इंसेक्ट्स जो भी होंगे जैसे कॉकरोच, वहां पर भी आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होगा, तो आंसर एंडोमाइटोसिस या एंडो डुप्लीकेशन होगा। और प्लांट में एंडोस्पर्म, साइनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, टेपेटम, इस सब में आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलेंगे। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम मिलेगा। अब जरा फंक्शन ऑफ टेपेटम देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम, फर्स्ट फंक्शन इज न्यूट्रिशन, प्रोवाइड नरिशमेंट
प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। इसको ये नरिशमेंट देगा और ये इसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन। सेकेंड है सेक्रेट, टेपेटम सेक्रेट बोथ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। वे भी है क्वेश्चन, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। और ये एंजाइम्स अभी हम आपको कैलोज एंजाइम्स के रूप में बताए हैं, कैलेज एंजाइम, कैलेज नाम का एंजाइम हम आपको अभी एग्जाम्पल में बताए हैं। थर्ड सेक्रेट पॉलन कीट, सेक्रेट पॉलन कीट इन एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस मीन्स इंसेक्ट अट्रैक्टिंग फ्लावर्स। To attract insects for pollination, to attract insects for pollination, ताकि pollination में insect को अपने तरफ आकर्षित करे ताकि pollination हो सके। pollination कराने के लिए pollen kit is made up of lipid plus beta carotene, and this beta carotene and lipid protect pollen grains. Protect pollen grains from harmful UV rays. Harmful ultraviolet light से उसको क्या करता है, ये बचा लेता है। तो याद रखेंगे pollen kit कहाँ मिलेगा, फोर्थ फोर्थ फंक्शन ऑफ टेपेटम यूबिश बॉडी यूबिश बॉडी ऑफ टेपेटम या टेपेटल सेल, यूबिश बॉडी ऑफ टेपेटम और टेपेटल सेल सेक्रेट स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, नाउ मोर अबाउट स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज अ लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड डेरिवेटिव बट ऑल्सो कंटेन्स अमीनो एसिड्स। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल दैट फॉर्म्स एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। एक्साइन बनाता है पॉलन ग्रेन का। दुनिया में बहुत सारे रेस्टेंट
बायोलॉजिकल मटेरियल हैं उसमें से एक स्पोरोपोलेनिन भी है, और इस रेस्टिविटी के कारण ये पॉलन ग्रेन को फॉसिल फॉर्म में भी रहने में मदद करता है, वहाँ पर भी पॉलन ग्रेन बर्बाद नहीं होता है। तो पॉलन ग्रेन रिमेन लाइव इवन इन फॉसिल फॉसिल में भी ये जीवित रहता है। कौन? पॉलन ग्रेन स्पोरोपोलेनिन के कारण। स्पोरोपोलेनिन रेजिस्टेंट टू हाई एंड लो टेम्परेचर, एसिड अल्कली एटसेट्रा, एसिड अल्कली एटसेट्रा, नो एंजाइम that can degrade स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसे किसी भी एंजाइम की जानकारी साइंटिस्ट के पास नहीं है कि जिससे ये पता चले कि स्पोरोपोलेनिन को वो बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, तोड़ दे, ऐसा नहीं है। यानी ऐसे एंजाइम का अभी तक खोज नहीं हुआ है साइंटिस्ट के द्वारा। जो फंक्शन हम आपको बताए हैं ये VVI है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में आता है, आपके NCERT के बुक में भी बहुत सारी बातें मेंशन की हुई है, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे पढ़ते समय। अब हम आपको दिखला रहे हैं एक्साइन इंटाइन को। जैसे अगर हम एक्साइन को ऐसे बनाए दिखलाएं आपके लिए, ये हो गया एक्साइन, बाहर का सेक्टर क्या कहलाएगा एक्साइन, अंदर का सेक्टर क्या कहलाएगा इंटाइन। एक्साइन में क्या होगा? सेलुलोज प्लस स्पोरोपोलेनिन या स्पोरोपोलेनिन, आंसर इज स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन में क्या होगा? तो आंसर होगा सेलुलोज प्लस पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन दो केमिकल कंपोजिशन इंटाइन को बनाएगा। इंटाइन फॉर्म्स पॉलन ट्यूब, क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब को बनाएगा। स्पोरोपोलेनिन इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं। अब देख लीजिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ नहीं है। ये सब जो ओपनिंग दिखलाई दिया है ये जर्म पोर है, और जहाँ जहाँ जर्म पोर होगा वहाँ क्या होगा? नो स्पोरोपोलेनिन, नो स्पोरोपोलेनिन, वहाँ कोई स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। और जर्म पोर होकर के ही जब पॉलन ट्यूब बनेगा तो वो बाहर आएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ एग्जिट, पॉइंट ऑफ एग्जिट फॉर पॉलन ट्यूब। अब देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि पॉलन ट्यूब किससे बनता है या किससे बना रहता है, तो यही आंसर करेंगे आप, जिससे कि इंटाइन ही इसको बना रहा है, तो ये याद रखना होगा। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये डैकॉट पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन अब क्या है? डैकॉट पॉलन ग्रेन, डैकॉट लिख रहे हैं हम यहाँ पर, डैकॉट। आप भी अपने में मेंशन कर लेंगे। थैंक यू।